सारे काम हो चुके हैं, सैरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें। यकीनन सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और मज़े में होंगे। और बस के मैं भी थोड़ा सा अभी उठी हूँ, लेट आज उठी हूँ क्योंकि आज ही नाया की क्लास थी जो मैंने नहीं अटेंड करवाई, इसको मैंने एब्सेंट करवा दिया क्योंकि इसका कल एग्ज़ाम था। तो मैंने सोचा चलो एक दिन रेस्ट कर लेते हैं। मेरी भी काफ़ी तबीयत से काफ़ी दिनों से नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो मैंने सोचा मेरी भी नींद पूरी हो जाए, बच्चों की भी पूरी हो जाए। अभी ये सो रही हैं, शायद पता नहीं उठी हैं कि नहीं उठी। मैं आ गई इधर कुरान पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज यहीं से भी लोग स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक अच्छा सा टोटका भी बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट है, फौरन ही रिजल्ट दिखता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फेस वाइटनिंग क्रीम जो कि घर में ही बनती है और घर की ही चीज़ों से बनती है, जिसमें बिल्कुल खर्चा नहीं होता। बहुत ही इजी रेसिपी है उसकी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। वालेकुम सलाम। उठ गई हैं आप लोग और चेंज वेंज भी हो गया? तो आशा का तो आज रोजा है, तो जाओ जल्दी से बेटा, फिर नमाज का वजू करो, पढ़ लो है जोर। मैंने तो पढ़ ली है, जाओ शाबाश। मैंने बना दिया है चाय पराठा दोनों को, इनका हो रहा है अभी नाश्ता। क्या है भाई ये, क्या है हैं? हरकतें देख रहे नहीं करते, नहीं करते। नो नो नो, बस बाप का डांटना तो बर्दाश्त ही नहीं है। मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, क्या हुआ क्या हुआ? चलो 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 चलो, जैन को तो सब खेलना है। आयशा आपकी बारी। ओके आपकी टर्न है नाया। श्योर सेम कलर नहीं है, 9 नंबर नहीं है। यस Now it's my turn. Reverse हो गई है। इनाया आपकी टर्न है। Yes, two card. Oh, two card आयशा।
ये असल में अदील को रोज़ा लग रहा था तो अदील साहब ने टाइम पास के लिए बोला कि जाओ बच्चों ओनो लेकर आओ, ओनो खेलते हैं सेम ग्रीन, क्योंकि बच्चे कल से बोल रहे हैं अदील को कि ओनो खेलें हमारे साथ पापा, हमारे साथ ओनो खेलें पापा, तो आपस में खेलती नहीं है, आपस में लड़ाई हो जाती है इनकी, पापा के साथ इनको मज़ा आता है, तो बस अदील साहब खेलने बैठ गए। पापा खेल रहे हैं, ये इधर बैठे खुश हो रहे हैं, दूर से बैठे खुश हो रहे हैं। नया आपकी टर्न। और नो रिवर्स। रिवर्स। आशा आपकी दोबारा टर्न आ गई। फोरकास्ट। ज़ैनब को दे दिए। कल अभी नहीं आती। ये। विनर। विनर हो गई। ज़ैनब जीत गई। कौन हारा? Who's loser? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। नहीं ये तो वो क्या आपकी टर्न है। नहीं है पिंक, ये लीजिए आपका आगे। आयशा यू चलो इना है आपके पास। सॉरी नो No? Oh my god. Nine! Plus four. Draw four मिल चुका है. Four cards. ये लीजिए four cards आपके. Gift मिले आपको आयशा से. Next. Blue. Color next. Blue. इन्हें आपकी turn है. Reverse. Reverse. फिर आपकी turn है. Two cards. Green वाले. No. नहीं आप तो मैं. आबार वन आपी जीती थी इनाया वन आयशा आपकी टर्न है वन आपकी टर्न है ग्रीन कलर में लिखा है पहले आप जीती थी ना इनाया पहले भी आप प्लस पहले आप जीत तो चुकी हो फिर कार्ड सारे ओके आपकी टर्न इनाया आपकी टर्न आयशा ढैन 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 मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है दोनों में सीरियस है भाई मुकाबला ओके दिस फॉर यू ओके बहुत सख्त मुकाबला है टफ चैलेंज नहीं आपके पास फाइव नहीं है फिर मुकाबला कार्ड यहाँ पे खत्म होते जा रहे हैं मुकाबला बढ़ता जा रहा है नहीं है आपके पास अच्छा ओके सेवन कलर चेंज है ओ ढंडन ओ नो दोनों डाउन गई नहीं 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 कैसे वेट 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 कैसे वेट वेट सेवन बहुत जल्दी आशा को जीतने की बहुत जल्दी है चलो आशा की भाई ओ क्या हुआ क्या हुआ क्या भूख लगी हुई आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है मेरे बेटे को पापा की चेयर रखो हाँ 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 सब दे रही हूँ मैं अपने बेटे को सब खिलाऊंगी अच्छा ये चाहिए हाँ भूख लगी है मेरी चेयर रखी है आपने मैंने कहा कि आ जाओ सब इधर टेबल पे बैठ जाओ थोड़ी सी दुआ मांग लो फौरन चेयर जो है ना आपकी सेट करने लग गए ये कि पापा आके इधर बैठेंगे इसको छोटी सी प्याली में नीचे क्या दे दूं अभी अजान नहीं हुई अभी अजान नहीं हुई है मैंने बस आज मटर पुलाव बनाया था थोड़ा सा और ये सलाद उसके साथ सैलड बनाई थी उसके साथ जी अफ्तारी में अभी थोड़ा सा ही टाइम है बस कुछ ही मिनट्स हैं और हम टेबल पे बैठ गए हैं ये बनाए हैं पुलाव समोसे और सैलड और ये फ्रूट चाट
बस आज इतना ही कुछ बनाया है। जहाँ राइस हो तो वहाँ कुछ और खाया भी नहीं जाता, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इतना बनाया ही नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब हम मिलेंगे अफ्तारी के बाद। ने चाय भी पी ली, सारा कुछ हो गया, अब इनका हो रहा है होमवर्क, इनकी पेपर की तैयारी हो रही है। ये मेरे हाथ आई हुई है, इसका उर्दू का पेपर है, और ये अपने पापा के हाथ आई हुई है, इसका है कंप्यूटर का कल पेपर, और ये जो है ना पढ़ना बहुत ही मुश्किल किया हुआ इन्होंने, क्योंकि ये पेंसिल भी हाथ से खींचे जा रहे हैं, रबड़ हो तो चाहे शॉपरन हो, ये हाथ से खींच खींच के अपने मुंह में डाले जा रहे हैं। और ये इधर बैठी हुई है मोहम्मद, ये मुंह में नहीं लेते बेटा, दे दो आप ही को, दे दो मेरा बेटा, दे दो, मुंह में नहीं लेते इसको, नो नो मुंह में नहीं लेते। ये की है मोहम्मद ने अभी जो लेके बैठे हुए थे। मोहम्मद कब से कोशिश थी आपकी कि मैं ये शॉप को खोल लूं, आखिर मैं मेरा जरा सा ध्यान हटा ना और आपने इसको खोल लिया, सारा कचरा बाहर निकाल दिया, सारा उठा लो बेटा। अब है ब्राउन, ये भी है सारा, इधर भी है बेटा, ये बड़ी काम आती है, ये वाली छोटी वाली वैक्यूम, मिनी वैक्यूम मेरे बहुत काम आती है, कि बच्चों ने थोड़ा सा भी कचरा किया तो मैं इससे काफ़ी हेल्प ले लेती हूँ, फौरन से कचरा उठा लेती हूँ इससे, आशा ही बल्कि लगा लेती है। ये भी उठा लो बेटा, ये भी पड़ा है। अच्छा जी, मैं यहाँ बनाने लगी हूँ वाइटनिंग फेस क्रीम, और ये जो मैंने चीज़ें इसके अंदर डाली हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने एक छोटे साइज़ का खीरा लिया है उसको कश कर लिया, मैंने एक छोटे साइज़ का आलू लिया है मैंने उसको भी कश कर लिया, और मैंने डॉव सोप लिया है उसको भी मैंने कश कर लिया है। उसके बाद मैं लूँगी एक पतीला, उसके अंदर मैंने डाल दिए 2 कप मिल्क। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आलू कश किया हुआ, और इसके बाद मैं ऐड करूंगी जो मैंने खीरा कश किया था उसका जो रस है वो निचोड़ के मैं उसके अंदर डाल दूंगी। आलू और मिल्क में शामिल कर दिया मैंने, इसको मिक्स करना है अच्छे से, फिर मैंने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है इसको, ताकि ये थिक हो जाए थोड़ी सी। इसको आपने स्पून की मदद से हिलाते रहना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए एक उबाल के बाद ये बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में आने लगेगी है और ये थिक हो जाएगी। इसके बाद 2 उबाल के बाद मैंने इसको उतार लिया है चूल्हे से। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है, ये बहुत ही अच्छी बनेगी क्रीम, ग्लो और वाइट कर देती है ये स्किन को, आप रात में यूज़ कर सकते हैं आप। फिर इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है लेमन, चंद कतरे ही इसमें डालने हैं क्योंकि ये सबकी स्किन को नहीं सूट करता है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर मैं इसको ग्राइंड करूंगी ताकि ये एक जान हो जाए, चाहे इसमें आलू का कश हुआ हुआ खीरा ये सब मिक्स हो जाए। फिर मैं इसके अंदर टॉफ सॉप जो मैंने कश किया था वो भी मैं शामिल कर दूंगी ताकि ये भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए ग्राइंड की हेल्प से। जी मैंने ये कर दिया है शामिल, अब मैं इनको कर रही हूँ ग्राइंड। फिर उसके बाद मैं फिर इसको दोबारा एक पतीली में निकाल दूंगी ताकि ये जो है ना थोड़ी सी जो वो हुई है पतली हुई है था और थोड़ी थिक हो जाए। मैंने फिर हल्की सी आंच पे इसको पकाया है और इसको स्पून की मदद से हिलाते ही रहना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और ये देखिए ये थिक होना दोबारा शुरू हो गई है,
अब फिर इसको आपने दोबारा फेंटना है। ये देखिए फेंटते फेंटते ही ये थिक होना शुरू हो जाएगी और क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से क्रीम की फॉर्म में आ गई है। और ये देखिए जब ये इस तरह से हो जाए बिल्कुल ठीक, आपने एक जार लेना है, उसको आपने जार के अंदर डाल देना है और फ्रिज के अंदर रख लेना है। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, आप इसको एक मंथ तक यूज़ करना है, यूज़ कर सकते हैं। ये फेस को बहुत ही ग्लो करेगा और ये वाइट कर देगा, आपके दाग धब्बे सारे दूर कर देगा, हल्के भी दूर कर देगा। आप रात को यूज़ करें, आप इंशाल्लाह आपको रिजल्ट नज़र आएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।